बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका और खैरात कितना बड़ा सवाब का काम है, इसका अंदाज़ा आपकी ज़िंदगी में शायद आपको भी हुआ होगा। इस्लामी तालीमात में ये बात दर्ज है कि सदका बलाओं और मुसीबतों को टाल देता है। इस बात की तायीद में मुझे एक बड़े आलिम का वाकया याद आया। वो आलिम साहब फरमाते हैं कि एक बार मेरी बेटी बीमार थी, हस्पताल में पड़ी थी और डॉक्टर्स उसकी हालत बहुत सीरियस बता रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके बचने की उम्मीद बहुत हद तक कम हो चुकी है। जब मैंने ये सुना तो मैंने फौरन अपने खादिम को बताया कि मेरे पाले हुए जानवरों में से जो सबसे ज़्यादा सेहतमंद और तवाना है उसको ज़बा कर दो और वो सारा गोश्त ज़बा करने वालों और ज़रूरतमंदों में फौरन तकसीम कर दो। खादिम ने ऐसा ही किया। वो जानवर बहुत ही सेहतमंद और तवाना था। जब वो गोश्त वगैरह तकसीम हो गया तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, मैंने अपना महबूब माल आपकी राह में सदका किया, आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। फरमाते हैं कि कुछ देर बाद डॉक्टर का फ़ोन आया कि मौलाना आपने क्या किया है, माशाल्लाह आपकी बेटी खतरे की हालत से निकल चुकी है और वो सेहतमंदी की तरफ जा रही है। तब मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हम मुसलमान और बिलखसूस पाकिस्तानी सदका व खैरात में सबसे आगे हैं। हम अगर कोई भूखा देखते हैं तो अपना खाना उसके साथ शेयर करते हैं। अगर कोई दवाई लेने के लिए परेशान है तो उसकी मदद करते हैं। राह चलते को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देते हैं। जानवरों के साथ जुल्म नहीं करते और परिंदों को दाना पानी डालते हैं। जब जब मुल्क के किसी इलाके पर कोई मुसीबत आई है, चाहे वो जलजला हो, इंसानी अलमिया हो या बारिश और सैलाब हो, हम अपनी जमा पूंजी लेकर वहाँ मदद करने पहुँच जाते हैं। लेकिन इस बार तो हद हो गई। पड़ोसी मुल्क और हम में दुश्मनी की जड़ें बहुत पुरानी हैं। आवाम सियासतदानों की चरब जबानी में आकर एक दूसरे के खिलाफ बढ़कते हैं। हर एक इलेक्शन में पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात और जंग व जदल को मौजू बनाना लाजमी समझा जाता है। हमारे दरमियान मजहबी इख्तलाफात की खबरें बहुत कम मिलती हैं, लेकिन रियासती इख्तलाफ हर रोज़ नया ड्रामा बर्पा करता है। दोनों तरफ की आवाम गुरबत की इंतहा में है। पाकिस्तानी कौम की आला जरफी देखिए कि जब कोरोना वबा ने इंडिया में अपने पंजे गाड़े तो सबसे पहले पाकिस्तानी उनकी मदद के लिए मैदान में आए। पाकिस्तानी रिफाही इदारों ने उनके लिए एम्बुलेंस और ऑक्सीजन वगैरह का इंतज़ाम भी किया। इंसानी हमदर्दी हमें हमारा इस्लाम सिखाता है। ये इस्लाम की खूबी है कि वह अपने मानने वालों को एक खोल में बंद नहीं करता, बल्कि उन्हें इंसानियत में मिलजुल कर रहने और दूसरों का दुख दर्द बांटने का तरीक़ा सिखाता है। अल्लाह ताला हमें अपनी रजा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।